भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह आज मुरादाबाद पहुंचे और जमकर केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार पर गरजे। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों की नहीं मांगी तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद नगर पंचायत भोजपुर के सब्जी मंडी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह नगर पंचायत भोजपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ समस्त क्षेत्र के किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय किसान यूनियन मुरादाबाद से नगर के ही मोहल्ला मंडी निवासी नूर मोहम्मद चौधरी को जिला अध्यक्ष घोषित किया। इस दौरान नूर मोहम्मद के समर्थकों ने किसान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में समर्थक और क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने किसानों की समस्याओं को बताते हुए कहा कि सरकार किसानों को फसल की पूरी कीमत नहीं दे रही है, जिसको हम पूरी करा कर रहेंगे। उन्होंने मुख्य मांगे करते हुए कहा कि किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग के गठन में सभी सदस्य किसान ही रखे जाएं, आयोग का अध्यक्ष भी किसान ही रखा जाए। किसान आयोग ही देश के किसानों की फसल व दाम तय करेगा, सरकार नहीं। 72 साल से सरकारों के किसान विरोधी नीतियों के कारण देश का किसान तरह तरह की नीतियों और बैंकों के कर्ज में डूब रहा है और उस मुसीबत के पल में आत्महत्या कर रहा है। सभी तरह के बैंक के कर्ज किसानों को माफ करने की घोषणा की जाए। दुर्घटना में मरने वाले किसानों को उचित मुआवजा और उसकी पत्नी और बच्चों को जीवन यापन करने के लिए मुआवजा दिया जाए। इस मौके में भारी संख्या में किसान तैनात रहे और कई लोग मौजूद रहे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। क्या पद आपको सौंपा गया है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से? आज किसान यूनियन जिला अध्यक्ष मुझे चुना है जी, भानु जी ने जी। और किसानों के नियम है, दिन रात मेहनत करके जी, और जो मुझसे मदद होगी जी, वो मैं इनकी मदद करूँगा। अधिकारी के पास जाऊँगा, इनकी समस्या जो है वो हल करेंगे जी। क्या खुशखबरी देना चाहेंगे नगर पंचायत भोजपुर वाले किसानों को अपनी तरफ से? खुशखबरी ये देना चाहता हूँ मैं, पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमसे जुड़ेंगे, उनका भी, भानु जी का भी, और जितने मेरे साथी नौजवान हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। मुरादाबाद आए हैं, क्या उद्देश्य है और किस लिए आप मुरादाबाद आए हैं? ऐसा है, मुरादाबाद आने का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से अन्याय के खिलाफ महाभारत हुआ था, पांडवों ने अपनी फौज तैयार की थी, उसी तरह भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपनी फौजें तैयार कर रहा है, अपनी महारथी तैयार कर रहा है। यहाँ मुरादाबाद आने का सही उद्देश्य तो ये है कि मैंने श्री नूर मोहम्मद जी को भारतीय किसान भानु का जिला अध्यक्ष मुरादाबाद आज घोषित किया है और इनके साथ पूरा मुरादाबाद का किसान मजदूर गरीब लग जाएगा और हमारी लड़ाई में सहयोग करेगा। मेरी मांग है किसान आयोग का गठन होना चाहिए। किसान आयोग में किसान रहेंगे, राजनेता नहीं। किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, सरकार नहीं। 72 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो गया है, इसलिए छोटे बड़े हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब किसानों के कर्जे माफ करने पड़ेंगे और 10,000 रुपया किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए 60 साल पूरी करने के बाद। यदि किसान दुर्घटना में मरता है तो 1 करोड़ रुपया, पुलिस को शहीद होना पड़ता है डकैतों के द्वारा तो 2 करोड़ रुपया, या सेना के जवान को या अधिकारी को जो शहीद हो जाते हैं विदेशों की फौजों के द्वारा तो उनको 5 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे, ये हमारी मांग है। मुरादाबाद के किसानों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मुरादाबाद के किसानों के लिए संदेश दे दिया, नूर मोहम्मद जी के साथ लगेंगे और संगठन मजबूत करेंगे और फिर मैं आंदोलन करूंगा, उसमें सहयोग करेंगे तो मेरा मांग पत्र पूरा हो जाएगा 6 महीने के अंदर। नहीं होगा तो विकराल आंदोलन खड़ा करूंगा। मुझे भानु कहते हैं, भानु, और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य जब गर्मी पे आता है तो कपड़े उतरवा देता है। जो किसानों पे मुरादाबाद में उत्पीड़न हो रहा है, ना ही कोई अधिकारी सुन रहा है, ना ही कोई सरकार सुन रही है, उनके लिए क्या मैसेज? अब भानु सुनेगा। जहाँ भानु होगा वहाँ सुनने वाले 50 अधिकारी आ जाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।